हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का मेरा व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो ये आप देख सकते हो, मैंने ली एक प्लास्टिक की बॉटल, उसको नीचे का जो साइड है वो मैंने अच्छे से शेप में कर ली हूँ, कट आप देख सकते हो। वहाँ पर पहले से लाइन बनी हुई थी तो मुझे लाइन वाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस इसको मैं लाइन को अच्छे से एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में मैंने इसको कट कर ली और इसको मैं दे रही हूँ कुछ इस तरीके से शेप, फ्लावर शेप में आप देख सकते हो। ऊपर से मैंने कर ली हूँ थोड़ा हल्का हल्का राउंड। राउंड होने के बाद ये पूरा मेरा जो था शेप वो एक रेडी हो गया फ्लावर का। इसके बाद मैं कैंडल जलाकर मैं इसको सिर्फ भाप दे दूँगी ताकि जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाए। फिर बाद में कुछ ऐसा हाथ वगैरह या फिर आप जो भी यूज़ करो आपको लगे ना। तो इस तरीके से मैंने इसकी शार्पनेस ख़त्म कर दी और ये भाप देने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था। आपको जिस साइड में आपको जैसे ही फ्लावर अंदर साइड चाहिए तो अंदर आप सामने की तरफ भाप दे सकते हो, अगर पीछे साइड चाहिए तो आप पीछे की तरफ भाप दे सकते हो। इस तरीके से आप देख सकते हो मैं दे रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें लगाई ग्लू, ग्लिटर वाला, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर मैंने लगाई एक अच्छा सा स्टोन ब्लू कलर का ताकि ये जो भी मैं बना रही हूँ बहुत अच्छा लगे। वैसे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने दोनों ईयरिंग कर ली हूँ रेडी, ईयरिंग के साँचे, मोल्ड जो भी बोलते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ली हूँ हुक, हुक में मैंने अटैच कर ली एक चेन। आपको जितनी लंबी चेन चाहिए आप उतनी लंबी चेन लो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लो। और ये बहुत इजी है आप देख सकते हो। इसके बाद मैं इसमें जंप रिंग में मैंने हुक अटैच कर ली। इसके बाद मैं ये जंप रिंग अटैच कर रही हूँ नीचे के साइड, आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने जंप रिंग को भी अटैच कर ली। और क्या, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ज़रूर बनाना। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी ज़रूर कर देना। यहाँ पर मैंने एक ले ली हूँ नीडल और नीडल को मैं कर रही हूँ गर्म अच्छे से। इसके बाद मैं इस प्लास्टिक के अंदर ऐसे इसको अटैच करूँगी, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इसको होल कर ली बहुत ही इजीली। और अब मैं ये जंप रिंग को ओपन करके इसके अंदर मैं कर रही हूँ अटैच कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। और इस तरीके से मेरी ईयरिंग्स हो गई है रेडी और सच में बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।